नेक्स्ट टॉपिक क्या है सोशल इन्फ्लुएंस एंड ठीक अब देखो ये जो सोशल इन्फ्लुएंस होता है इसका मतलब क्या है और ये परसुएशन का मतलब क्या है इसमें दो टॉपिक हैं अलग ही अलग हैं बट दोनों से अल्टीमेट हम क्या करते हैं एटीट्यूड चेंज लेते हैं ये किस चीज को जन्म देते हैं एटीट्यूड चेंज है ना अब वो चाहे सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज करना हो आपको है ना या फिर इंडिविजुअल का करना हो ठीक है ना तो मतलब ये क्या है सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन एक तरीके के टूल्स हैं काहे को चेंज करने के लिए इसको चेंज करने के लिए ठीक ठीक है अब देखो समझते हैं पहले सोशल इन्फ्लुएंस ठीक अब देखो सोशल इंफ्लुएंस कब होता है है ना सोशल इन्फ्लुएंस तब होता है जब हमारे इमोशंस हमारे ओपिनियंस हमारा बिहेवियर अफेक्ट होता है किसी और के द्वारा जो भी सोसाइटी में रह रहा हो है ना ये सोसाइटी है है ना इस सोसाइटी के अंदर क्या है देखो इस सोसाइटी के अंदर ये एक पर्सन है ना ये एक पर्सन इसके पास क्या है इमोशंस है ओपिनियन है इसका खुद का एटीट्यूड है इसका खुद का बिहेवियर है? है जब ये चीजें अफेक्ट हू है ना अफेक्टेड बाई ये कौन है अदर्स अदर्स कोई भी हो सकता है तो उसको क्या बोल रहे हैं हम कि भाई इसको हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है ये ये अफेक्ट हो रहा है है ना ये क्या हो जाएगा सोशल इन्फ्लुएंस ये क्या हो रहा है समाज से अपने आसपास की जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं उनको देख करके ये व्यक्ति अपने इमोशंस अपने ओपिनियन और एटीट्यूड बिहेवियर चेंज कर ले रहा है तो इसको क्या बोलेंगे सोशल इन्फ्लुएंस है ही है ना वहीं पर अगर सामने वाला व्यक्ति ये क्या कर रहा है ये चेंज करने में लग जाता है इन चीज़ों को तो फिर वो चीज़ परसुएशन हो जाती है है ना देखो दोनों में फर्क ये है बस कि यहाँ पर क्या हो रहा है सोशल इन्फ्लुएंस में ये अफेक्ट होता है अदर से है ना ये सोशल इन्फ्लुएंस है और uh, में क्या होता है सामने वाला आपको इन्फ्लुएंस करता है है ना ये क्या हो जाएगा आपका परसुएसन हो जाएगा समझ में तो सोशल इन्फ्लुएंस में क्या हो रहा है ये अफेक्ट हो रहा है किससे अपने आस की जो भी चीजें हैं उनसे और परसुएसन uh, में क्या हो रहा है परसुएशन में सामने वाला व्यक्ति चेंज करना चाहता है आपके जो ये इमोशंस ओपिनियंस एटीट्यूड और बिहेवियर समझ में क्यों ठीक है ना अब देखो ये दोनों क्लियरिटी है इन दोनों में कि हाँ भाई कहां से क्या हो रहा है सोशल इन्फ्लुएंस में ये इंडिविजुअल है और ये अदर है ना ये इन्फ्लुएंस होता है है ना इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्फ्लुएंस्ड बाय और वहीं पर परसुएशन में क्या हो रहा है परसुएशन में ये ये व्यक्ति और ये अधर, ये मान लो कि दूसरा व्यक्ति है, है ना ये दूसरा व्यक्ति ये इन्फ्लुएंस बाई नहीं हो रहा है ये इन्फ्लुएंस कर रहा है सामने वाले को समझेगा ना इन्फ्लुएंस कर रहा है इन्फ्लुएंसेस है ना यहाँ influence कर रहा है यहां पर इन्फ्लुएंस हो रहा है ठीक है क्लियरिटी है क्या बोल रहा हूं मैं अभी मैं देखू मैं हूं नॉर्मल व्यक्ति मैं सामने वाले को देख करके अपना ओपिनियन चेंज कर रहा हूं तो क्या हो रहा है इन्फ्लुएंस हो रहा है लेकिन दूसरा चीज क्या होता है मैं सामने वाला मेरे को कन्विंस कर रहा है सामने वाला मेरे को अपना बात रख रहा है और मैं उससे कन्विंस हो जाता हूं तो वो क्या हो जाएगा परसुएट हो जाता ठीक है तो ये क्लियरिटी याद अब समझते लेवल्स सोसल इंफ्लुएंस। सोसल इंफ्लुएंस। है के तीन लेवल होते हैं जब आप सामने वाले से इन्फ्लुएंस होते हो तो देखो आप तीन लेवल पर सोशल इन्फ्लुएंस होता है एक को बोलते हैं हम कंप्लायंस एक को बोलते हैं हम आइडेंटिफिकेशन और तीसरे को मैं बोलता हूं इंटरनलाइजेशन ठीक अब देखो यहां समझो क्या बोल रहा हूं मैं पहला मैं बोल रहा हूं कंप्लायस कंप्लायंस ये क्या है ये आपके सब क्या है आपके सोशल इन्फ्लुएंस के टाइप लेवल्स है सोशल इन्फ्लुएंस के लेवल्स है लेवल है ठीक और ये क्या है एक को लेते हैं बिहेवियर कैप कंपोनेंट, है ना और ये हो गया आपका एटीट्यूड और ये होगा वैल्यूज़, देखो समझो क्या बोल रहा हूं जब हम सामने वाले से कंप्लाइंस में बोल रहा हूं मतलब आप क्या हो रहा है इन्फ्लुएंस हो रहा है लेकिन ऐसा इन्फ्लुएंस हो रहा हो कि सिर्फ आप अपना बिहेवियर चेंज करते हो एटीट्यूड चेंज नहीं होता है वैल्यू चेंज नहीं होता तो हम उसको क्या बोलेंगे कंप्लायंस कर रहे ये होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा अच्छे समझो इसको क्या बोल रहा हूँ जैसे कि इसका एग्जाम्पल ऑफिस में, में आप क्या करते हो ऑफिस में आप बिहेवियर वैसा ही शो करते हो ना जैसा वो चाहते हैं तो इस केस में हम क्या करते हैं है ना जो ज, जैसा भी हमारा ड्रेस कोड जैसा उन्होंने बोला वो हम क्या कर रहे हैं उसको हमने फॉलो कर लिया है ना लेकिन हमारा एटीट्यूड चेंज हुआ क्या उससे नहीं हुआ हमारे वैल्यूज क्या चेंज हो गए नहीं हुआ स्कूल में जैसा स्कूल ने बोला कि यूनिफॉर्म पहन के आना है तो चलो हम बिहेवियर तो शो कर रहे रहे हैं हैं वैसे ही पहन के आ आपको बोला गया है कि क्लास में हल्ला नहीं करना है तो ठीक है मैं हल्ला नहीं करूंगा भाई बिहेवियर शो कर दे रहा हूँ अपना बट इसका मतलब ये है कि भाई मैं उस समय क्या अपना एटीट्यूड भी चेंज कर लिया और वैल्यूज भी चेंज कर लिया नहीं तो सोशल इन्फ्लुएंस का जब हम कम्प्लायंस करते हैं तो कम्प्लायस में क्या होता है यहाँ पर एटीट्यूड चेंज नहीं होता हमारा है ना प्लस वैल्यूज चेंज नहीं होती हम सिर्फ क्या करते हैं अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं है ना मतलब इसमें क्या करते हैं हम रेस्पॉन्ड करते हैं फेवरेबली काहे के लिए जो भी सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है है ना या फिर जो भी हमको सामने वाला रिक्वेस्ट कर रहा है या ऑर्डर है मान लो कि भाई कई बार क्या होता है कुछ आपके सीनियर्स आपको ऑर्डर देते हैं तो आप उसको क्या करते हो बिहेवियर में सिर्फ उनको फॉलो करते हो बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन चीजों से एकदम एटीट्यूड भी आपका वैसा ही है और वैल्यूज भी वैसे जब वो देखेंगे अलग अलग लेवल्स में आएंगे ठीक है ना वो आता है आपका इंटरनलाइजेशन तो यहाँ पे क्या हो रहा है हम क्या कर रहे हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल घर में मम्मी पापा बोलते हैं चलो मंदिर चलते हैं तो मंदिर जा रहे हो आप तो आप क्या कर रहे हो सिर्फ सामने वाले के रिक्वेस्ट या सामने वाले के ऑर्डर को क्या कर रहे हो मान रहे हो है ना इसका मतलब ये नहीं कि आपका एटीट्यूड भगवान के प्रति या मंदिर के प्रति चेंज हो गया है इसलिए आप जाने लगो वैल्यू चेंज हो गए इसलिए आप जाने लगो आप सिर्फ क्या कर रहे हो कंप्लाई कर रहे हो है ना ठीक है ना आप क्या कर रहे हो सिर्फ अपना बिहेवियर शो कर रहे हो एक जो वो डिमांड कर रहे हैं उसके हिसाब से ठीक है तो ये याद रख लेना ये क्या होता है उसमें बिहेवियर नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं आपको कि भाई यहाँ पर एक चीज़ और समझो ज्यादातर गवर्नमेंट की स्कीम्स फेल क्यों होती है वो इसीलिए फेल होती है क्योंकि वो सिर्फ कंप्लाइंस तक ही रह जाती है मतलब बिहेवियरल चेंज तक रहती है उसमें लोगों का एटीट्यूड और लोगों का वैल्यूज चेंज नहीं होते हैं समझा कि नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है इस केस में ना हम अपना बिहेवियर भी चेंज करते हैं और हमारा एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है समझा गया पर हमारा वैल्यूज नहीं चेंज होता तो इसको हम क्या बोल देते हैं हम इसको बोल देते हैं हम कि आइडेंटिफाई कर लिया ये कब होता है ये जब होता है जब हम उसको जिसको हम मानते हैं समझा गया जिसको हम चाहते हैं वो अगर हमको उससे अगर हम इन्फ्लुएंस होते हैं तब हमारा क्या होता है एक तो बिहेवियर भी चेंज होता है दूसरा एटीट्यूड भी चेंज होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो रोल मॉडल्स होते हैं रोल मॉडल से क्या होता है रोल मॉडल जैसा बोलते हैं वैसा हम करते भी हैं है ना भाई वो जैसे कपड़े पहनता वैसे हम भी चाहते हैं कि हम कैसे वैसे कपड़े पहने उसका एटीट्यूड अगर मान लो कि भाई वो वुमेन के राइट right की बात करता है या फिर कुछ चीजों की बात करता है तो हम भी वैसा बनने लगते हैं तो मतलब इसमें जो रोल मॉडल्स की कॉपी करने लगते हैं हम उसमें क्या होता है आइडेंटिफिकेशन होता है भला यहाँ पर हम क्या करते हैं एटीट्यूड को भी चेंज करते हैं और अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं क्यों करते हैं ताकि क्योंकि हम इन्फ्लुएंस होते हैं उससे जिस व्यक्ति को हम पसंद करते हैं समझना गया कभी देखा होगा ना कि सामने वाले को अगर ये हीरो पसंद है तो हमको हमको भी वो पसंद होने लगता है क्योंकि हमको वो पसंद है इसलिए सामने वाले को ये हीरोइन है तो वो हमको पसंद होने लगेगा वही मेरे फ्रेंड को भी वो पसंद है इसलिए तो मतलब जिसको हम पसंद करते हैं ना उस उसको पसंद करने के लिए हम ये अपना बिहेवियर शो करते हैं और उस हिसाब से फिर हम अपना एटीट्यूड भी चेंज कर लेते हैं समझा क्या तो इसको क्या बोल देते हैं हम इसको बोल देते हैं हम आइडेंटिफिकेशन तो ये जो एड्स वगैरह देते हैं इसीलिए इसी का तो फायदा उठाते हैं जो इतने भी टीवी में एडवर्टीजमेंट होते हैं ना जो सेलिब्रिटीज के द्वारा किए जाते हैं तो उनको पता है कि देखो हमारे बिहेवियर को तो बहुत लोग कॉपी करते हैं है ना और जैसा हम ब, हमारा एटीट्यूड है वैसा ही वो भी अपने आ, वैसा ही बनना चाहते हैं वो लोग भी तो वो क्या होता है तो उसका फायदा उठा करके मार्केटिंग वगैरह करवाया जाता है सेलिब्रिटीज ठीक है तो उसमें क्या हो रहा है आइडेंटिफिकेशन में हम बिहेवियर भी अपना चेंज करते हैं और एटीट्यूड भी चेंज करते हैं है ना नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट होता है इंटरनलाइजेशन इसमें बिहेवियर भी हमारा चेंज होता है एटीट्यूड भी चेंज होता है और वैल्यूज भी चेंज होते हैं मतलब अब ये कैसे होता है जैसे कि इंटरनलाइजेशन जब होता है जब आप अपने आप को सामने वाले व्यक्ति को पूर्णता समर्पित कर देते हो मतलब आप टोटल सरेंडर कर देते हो अपने आप को सामने वाले पर है ना जैसे कि जैसे कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल देता हूँ जैसे भगवान बुद्ध है ना भगवान बुद्ध है भगवान श्री कृष्ण है ओशो है ठीक है ना तो ये सब ये लोग जो लोग हैं ये जैसा बोलेंगे ना आप वैसा ही करने लगते हो है ना क्योंकि भाई इनकी कही बात को आपने क्या है, पहले तो आपने इन पर टोटल सरेंडर कर दिया ठीक है ना तो ये जैसा बोलेंगे आप वैसा ही करने लगोगे माँ बाप हो गए है ना जैसा बोलते हैं वैसा ही हम करते हैं क्योंकि हमने क्या है इन इनके इनके लिए हमारा बिहेवियर भी चेंज रहता है प्लस हमारा एटीट्यूड भी है और प्लस हमारे वैल्यूज भी है है ना मतलब इस केस में क्या होता है हमने

कि किसी के एक जो जैसे कि ओशो हो गए है ना सदगुरु हो गए भगवान बुद्ध हो गए भगवान श्री कृष्ण हो गए महावीर हो गए ठीक है ना तो ये लोग जैसा बोलते हैं प्रोफेट मोहम्मद हो गए ठीक है ना जैसा ये लोग बोलेंगे वैसा ही हम क्या करने लगते हैं अपने आप को इतना इंटरनालाइज किया कि इनको हम इतना वैल्यूज हमारी वैल्यूज इनसे बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड हो जाती है इसलिए क्या होगा हमारे वैल्यूज भी है मतलब वैल्यूज को भी हमने क्या कर लिया इंटरनालाइज कर लिया है और हमारे हमने अपने एटीट्यूड को भी इंटरनलाइज कर लिया और बिहेवियर को भी तो क्या बोल देंगे तो देखो ये वाला सरल हो जाता है ये तो ना ये स्ट्रॉन्ग होता है ना और ये बहुत वीक होता है ठीक तो ये तीन लेवल्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस है इन चीजों को थोड़ा सा याद रख लेना ठीक है ना इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल ये जो तीन लेवल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस है ये हम लोगों ने समझ ली ठीक कि इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल लेवल कितने तरीके से होता है तीन लेवल में होता है अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस समझा गया तो इसमें हमको क्या देखना है टाइप्स कितने टाइप्स से सोशल इन्फ्लुएंस होता ठीक hmm. अब देखो टाइप्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस टाइप्स ऑफ सोशल इंफ्लुएंस सोशल इन्फ्लुएंस के टाइप्स बता रहा हूं मैं आप ठीक पहला होता है जिसको हम बोलते हैं कंफर्मिटी दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी प्रोफेसी फिर नेक्स्ट होता है ओबीडियंस नेक्स्ट होता है आपका परसुएस मतलब क्या है ये सोशल इन्फ्लुएंस है है ना सोशल इन्फ्लुएंस के ही अंदर आपके परसुएशन आ गया सोशल इन्फ्लुएंस देखो मतलब समझ रहे हो ये व्यक्ति है है ना आसपास के ये इसका सोसाइटी है ये सोसाइटी है है ना ये सोसाइटी ये, ये कैसे इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी से यही तो सोशल इन्फ्लुएंस है ये कैसे इन्फ्लुएंस होता है आपने आसपास की सोसाइटी से यही आपका सोशल इन्फ्लुएंस तो इस केस में यहाँ पे एक व्यक्ति है ये इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है है ना ये इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है तो भाई इसको हम परसुएसन बोलेंगे जब ये वाला व्यक्ति इसको इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है तो ये क्या हो जाएगा परसुएसन होगा लेकिन एक्चुअली में देखोगे तो आप हो क्या रहा है हो तो यही हो रहा है ना कि ये व्यक्ति इन्फ्लुएंस हो रहा है ना अपने आस के चीजों से तो यहाँ पे सोशल इन्फ्लुएंस के ही अंदर आ गया ना परसुएसन समझा गया तो सोशल इन्फ्लुएंस ये है परसुएशन ये ठीक है ना सोशल इन्फ्लुएंस के अंदर परसुएशन आ गया अब इनको वन वन करके आपको डिटेल में समझना ठीक सबसे पहला सबसे सरल सबसे सरल होता है कन्फर्मिटी कन्फर्मिटी मतलब क्या होता है यहां पर क्या होते हैं जैसा सब कर, करते हैं ना वैसा ही हम करना चाहते हैं तो इसको क्या बोल देते हैं कन्फर्मिटी बोलतेमिटी मतलब जैसा सब चाहेंगे वैसा हम करने लगे जैसे भीड़ में भीड़ में है ना आप क्या होता है भाई जैसे मान लो जब नारे लगाते हैं जैसा भीड़ नारे लगाती है वैसे सब लगाते हैं है शो करते हैं अपने आप को समझा गया मतलब यहाँ पे स्टिक करते हैं टूवर्ड्स फॉलोड बाई अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन समझा क्या मतलब हमको जो भी उस समय रूल्स चल रहे हैं उसको हमको क्या फॉलो करना है बस उसको फॉलो करना है क्योंकि सब ऐसा कर रहे हैं इसलिए हमको भी ऐसा कर जैसे कि लक्ष्मीकांत पढ़ना सब यूपीएससी वाले पढ़ते हैं इसलिए हम भी पढ़ते हैं ठीक है एनसीईआरटी सब पढ़ते हैं इसलिए हम भी पढ़ेंगे है ना ठीक है सब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं इसलिए हमको भी करना है सब चार घंटे पढ़ते हैं इसलिए हमको भी पढ़ना है ये क्या है कन्फर्मिटी है मतलब एक क्या हो गया हमने एक रूल्स बना लिया और उसको क्या करने लगते हैं हम फॉलो करने लगते हैं ठीक है ये हो जाएगा कन्फर्मिटी ठीक तो ये हो जाएगा आपका कन्फर्मिटी मतलब जैसा सब करते हैं वैसा ही हम करना चाहते हैं इसको क्या बोलेंगे कन्फर्मिटी समझा गया एग्जाम्पल इतने सारे मैंने आपको बता दिया तो क्या हो रहा है इन्फ्लुएंस हो रहा है ना आप सामने वाली सोसाइटी से एनवायरमेंट तो वो क्या हो गया कन्फर्मिटी नेक्स्ट हो गया ओबीडियंस ओबीडियंस मतलब क्या होता है मतलब ये एक तरीके का सोशल इन्फ्लुएंस है जहां पर पर्सन क्या होता है जो भी उसका अथॉरिटी होता है मतलब जो भी एक अथॉरिटी फिगर होगा उसकी बातों को वो मानता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री में मिलिट्री में जो भी सीनियर्स बोलते हैं वो फॉलो किया जाता है सिविल सर्वेंट जो भी सीनियर्स बोलते हैं फॉलो करते हैं मतलब ओबे करते हैं है ना मतलब क्या हो रहा है सामने वाला बोल रहा है ऐसा करो तो आप करने लग मतलब इन्फ्लुएंस हो रहा है कि नहीं हो रहा हो तो ओबिडियंस मतलब क्या होता है जो भी जो जैसे जो भी जिसको भी आप अथॉरिटी मानते हो जैसे कि पेरेंट्स पेरेंट्स हो सकते हैं है ना उनको उनके हम ओबीडियंट होते हैं है ना दादाजी कुछ बोल रहे हैं हम उनको फॉलो करते हैं पापा जी कुछ बोले पापा ने बोल दिया एक घंटे के अंदर आओ तो आओ तो इसके इसमें कोई सवाल जवाब नहीं तो ये क्या है एक तरीके से ओबीडियंस हो रहा है नेक्स्ट क्या है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी मतलब क्या होता है प्रोफेसी का मतलब क्या बताया प्रोफेसी का मतलब होता है कि भाई फ्यूचर प्रोडिक्शन करना है ना प्रोडिक्टिंग द फ्यूचर फ्यूचर ठीक इसमें क्या होता है मान लो कि एक व्यक्ति है है ना ये व्यक्ति का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है है ना इन्फ्लुएंस इकाई में सोसाइटी में उसके है ना तो क्या होगा ये कोई भी चीज बोले ये सही बोले या कोई भी चीज है गलत बोले है ना लोग क्या करने लगते हैं इसको मानने लगते हैं ठीक है ये मतलब ये कोई भी चीजों को लेकर के बोलेगा कि ऐसा होगा तो वो फ्यूचर में क्या कर रहा है प्रिडिक्ट कर रहा है अब वो सही बात हो सकती है गलत बात हो सकती है लेकिन सबके सब भीड़ क्या होती है उसको इतना मानती है उसको इतना इन्फ्लुएंस है पूरी सोसाइटी में तो वो क्या करेगी उस चीज को फॉलो करने लगती है तो क्या ये इसके कारण ये सोसाइटी इन्फ्लुएंस हो रही है हाँ हो रही है तो बाकी सब लोग इसके मतलब जो भी बातें होंगी उस पर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे और जैसा फिर ये सामने वाला व्यक्ति बोलेगा वैसा ही उस तरीकों को करने लगेंगे तो ये क्या हो गया सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इसमें क्या हो रहा है कोई भी व्यक्ति जिसकी समाज में अच्छी खासी प्रतिष्ठा होती है वो मान लीजिए कोई भी प्रोफेसी को एडवोकेट करता है है ना ये प्रोफेसी और कई बार क्या होती है सही भी हो जाती है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से है ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वो सही होने लगती है तो और भी क्या होता है लोगों का और भी इनके प्रति इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है ना मान लो कि एक व्यक्ति आज कुछ बोला और कल वो बात सही हो गई भले वो वो उसने तो ऐसा कुछ सोच के नहीं बोला था उसने बस एक ऐसे बोल दिया था पर वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सही हो गई तो फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा वो जब भी कुछ कोई चीज़ बोलना चाहेगा तो क्या होगा उससे और ज़्यादा सोसाइटी प्रभावित रहेगी और ज़्यादा लोग उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे तो क्या होता है ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी में याद रख लेना अभी एक तर... ये भी एक तरीके का टूल्स है जिसके तहत समाज में क्या किया जाता है अवेयरनेस मतलब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रही है सोसाइटी इन्फ्लुएंस होती है जनरली किस पर होती है तो याद रखना जो प्रतिष्ठित आदमी होते हैं जनरली उन पर होती है ठीक है और नेक्स्ट है क्या है पर्सुएशन पर्सुएशन तो मैंने आपको समझाई दिया क्या होता है पर्सुएशन पर्सुएशन में क्या होगा यहां पे लो पर्सुएशन पर्सुएशन मतलब क्या हो रहा है यहां पर हम क्या कर रहे हैं ये एक व्यक्ति है ये एक तरीके का प्रोसेस है ये पर्सन का एटीट्यूड है एटीट्यूड है इसका बिहेवियर है इसका बिलीफ है ये किसी भी टुवर्ड्स किसी भी आइडिया के प्रति किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति और किसी भी पर्सन के प्रति ठीक इसके प्रति हम इसको क्या करते हैं इनको जब चेंज किया जाता है है ना इसको जब इसको क्या करते हैं हम यहां से चेंज होगा सामने वाले की तरफ से अपने आप से नहीं यहां से बाहर से है ना इसको क्या करते हैं चेंज करते हैं है ना चेंज करते हैं अब ये चेंज का जो हो सकता है वर्बल चेंज करो आप वर्बल यूज करके या नॉन वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये क्या है आपके कम्युनिकेशन आप उसे कम्युनिकेट कर, कर रहे हो ना कम्युनिकेट करके चेंज कर रहे हैं ठीक है आपसे कम्युनिकेट किया जा रहा है वर्बली कम्युनिकेट किया जा सकता है या नॉर्मल नॉन वर्बली कम्युनिकेट किया जा सकता है और फिर आपके आइडियाज आपका जो भी एटीट्यूड है बिहेवियर है या आपका जो भी इमोशंस uh, है किसी भी आइडिया के प्रति ऑब्जेक्ट के प्रति या पर्सन के प्रति उसको क्या करते हैं चेंज करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम परसुएशन करेंगे ठीक है ना ठीक तो ये याद रख लेना अब देखो जब हम परसुएशन करते हैं तो हम किन किन चीजों का यूज करते हैं है ना जब परसुएशन करते हैं तो हम ये परसुएशन ड्यूरिंग परसुएशन हम क्या यूज करते हैं वी यूज पहला है लोगोस दूसरा है इथोस और तीसरा है पैथोस लोगोस में क्या यूज करते हैं हम हम फैक्ट्स फिगर्स एविडेंस इनके आधार पर आपके जो जो आपका मतलब आपको जो भी परसुएट करना है इनके आधार परसुएट कर किया जाएगा नेक्स्ट क्या है इथोस मतलब यहाँ पे इमोशंस अटैच करते हैं मतलब ट्रस्ट ट्रस्ट को लेकर के रिलायबिलिटी को लेकर के एथिक्स को लेकर के समझ में नेक्स्ट क्या है पैथोस मतलब इमोशंस को लेकर के यहाँ पे इमोशंस आएगा ठीक है यहाँ पर ट्रस्ट और रिलायबिलिटी और एथिक्स जो नॉर्म्स होते हैं स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको यूज करते हैं ठीक तो ये इतने तरीके से हम इनको यूज करके आपका परसुएशन को कैरी करते हैं समझना क्या तो ये याद रख लेना कि इसमें ये हो जाता है और ओविडियंस मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है ठीक क्लियर है तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई क्या क्या चीजों करके हम आपका जो सोशल इन्फ्लुएंस होते हैं वो कितने टाइप से हो सकता है कंफर्मिटी तो से फिर जो होती है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोसोफेसि होती है इसका मतलब क्या है ये प्रिडिक्शन होता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है ना क्या करता है उस चीज को सही कर देता है ठीक है ना तो इससे क्या होता है सामने वाला व्यक्ति जो होता है इन्फ्लुएंस uh, होता है उन चीजों से अब ये चाहे डर के करे या लॉजिकल उसके अंदर कंफ्यूजन हो या फिर वो ऐसा मानता था इसलिए वो आप, आप, आपका बिहेवियर क्या हो रहा है चेंज कर रहा है तो तो इस कारण ऐसा हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं गया तो जैसे एग्जाम्पल डीमोनिटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन में क्या हो रहा है कि भाई उन्होंने बोला कि ब्लैक मनी होता है ये होता है वो होता है तो उसके कारण क्या हो गया सारे व्यक्ति क्या हो गए इन्फ्लुएंस हो गए है. है ना मतलब उन्होंने एक प्रोफेसी दी कि भाई ऐसा होता है ऐसा अगर हमने डिमोनेटाइज नहीं किया तो फिर ब्लैक मार्केटिंग में बढ़ जाएगी टेररिस्ट फाइनेंसिंग होने लगेगा है ना ये सब चीजें उन्होंने बताया तो मतलब वो एक तरीके की प्रोफेसी की समझा गया तो प्रोफेसी की मतलब क्या हो रहा है कि और उन्होंने बोला कि अगर अगर हम डिमोनेटाइजेशन करेंगे प्रोफेसी यहाँ पे होगी कैसे उन्होंने बोला कि हम डिमोनीटाइजेशन करेंगे तो जब डीमोनिटाइजेशन करेंगे तो उन्होंने बताया कि ये चीजें होंगी ये चीजें होंगी वो चीजें होंगी तो सबने सोचा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होगा तो फिर क्या करो सब लग जाओ लाइन पे पैसे चेंज करने के लिए तो क्या होगा सब इन्फ्लुएंस हो गए कि नहीं हो गए तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी मतलब होता है कि हम कुछ भविष्यवाणी करते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जाकर के सही हो जाती है तो क्योंकि अः uh, क्या होता है लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं जा करके उनके बिहेवियर को चेंज करने में लग जाती है तो उससे क्या हो रहा है अब जैसे देखो डिमोनेटाइजेशन में सब लाइन पे लग गए तो फिर वो बात सही ना हो गई कि भाई जो सबके सब फिर अपने जो भी ब्लैक मनी है उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लिए तो ब्लैक मनी उन्होंने बोला था कि डिमोनेटाइजेशन रहेगा तो ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा लेकिन यहाँ पे डिमोने के कारण क्या हुआ जो ब्लैक मनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट हुआ है मतलब यहाँ पे खत्म नहीं हुआ बट क्या होगा बोलने के लिए तो हो गया ना कि भाई अब ब्लैक मनी भी कम हो गया तो देखो उन्होंने बोला कुछ और था तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से जो ब्लैक मनी की वो बात कर रहे थे वो कम हो गया है ना क्योंकि वो बात अलग है कि यहाँ पे ब्लैक ही अब व्हाइट में कन्वर्ट हो गया बट जो प्रोफेसिंग उन्होंने की थी वो तो सही हो गई ना तो मतलब इससे क्या हो रहा है कि भाई बिहेवियर को कैसे ये सेल्फ आपकी चेंज कर देती है यहां से आप डिमोनेटाइजेशन वाले एग्जाम्पल से समझ सकते हो नेक्स्ट क्या बोला मैंने आपको नेक्स्ट होता है आपका जिसको मैंने आपको बोला कि भाई कन्फर्मिटी कन्फर्मिटी मतलब भीड़ से हम चलने की कोशिश करते हैं है ना जैसा भीड़ चाहती है वैसा हम करते हैं और फिर ओबीडियंस बता दिया परसुएसन बता दिया आपको ठीक है ना और यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लेना कल्ट फॉर्मेशन भी होता है कल्ट कल्ट फॉर्मेशन में क्या होता है जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कुछ अथॉरिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग फिगर होती हैं वो जैसा भी बोलते हैं हम वैसा करने लगते हैं है ना वो मैनिपुलेट करने लगते हैं अपनी करिस्मेटिक पर्सनैलिटी जैसे कि जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी उन्होंने बोल दिया कि भाई थाली बजाना है तो भी सब थाली बजाएंगे उन्होंने बोल दिया दीपक जलाना है इतने बजे तो सब दीपक जलाएंगे तो ये क्या होता है कल्ट का फॉर्मेशन से भी हमारा जो इन्फ्लुएंस होता है सोशल मतलब हमारा जो एटीट्यूड बिहेवियर या फिर जो भी हमारा थॉट बिलीफ है वो सब चीजें इन्फ्लुएंस होती है तो याद रख लेना ये सब क्या है आपके टाइप्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस है कौन कौन से कन्फर्मिटी में ये भी बता सकते हो आप जैसे कि खाप पंचायत होता है खाप पंचायत जैसा बोलती है सब वैसा क्या करते हैं कन्फर्मिटी उसके साथ बोलते हैं बोलती है कि इंटर कास्ट मैरिज नहीं तो नहीं बोले कि भाई इंटर रिलीजन मैरिज नहीं तो नहीं नहीं तो फिर आपका पानी बंद हो जाएगा तो क्या होगा आप कन्फर्म करते हो जैसा सब चाहते हैं वैसा करते है। दूसरा ओबीडियंस यहाँ पे क्या बताया ओबीडियंस जैसा मम्मी पापा लोग बोलते हैं वैसा हम करते हैं जैसा अथॉरिटी बोलती है वैसा करते हैं एग्जाम्पल सिविल सर्वेंट हमारा घर में फिर ठीक है ये सब ब्यूरोक्रेसी में आपसे ये सब एग्जाम्पल बता दूंगी परसुएशन में क्या बताया मैंने आपको कि क्या होता है परसुएशन में हाँ एक चीज याद रखना परसुएशन में फोर्स नहीं यूज किया जाता है देखो सोशल इन्फ्लुएंस में ना फोर्स यूज किया जा सकता है यहाँ पे एक चीज देखो क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे देखो ये वाला जो डाइग्राम यहां यहां पे फोर्स तो यूज किया जा सकता है ना यहाँ पे बाहर वाले पर यहां पे फोर्स यूज नहीं किया जाता ना यहां नहीं है ना यहाँ पे फोर्स नहीं यूज किया जाते ठीक तो ये थोड़ा सा याद रख लेना क्या है ये ठीक है यहाँ पे एक चीज और समझ लो क्या बोल रहा हूँ मैं एक है आपका परसुएशन और एक है मैनिपुलेशन इन दोनों में फर्क क्या है Persuasion में क्या होता है देखो और मैनिपुलेशन परसुएशन में विन विन होता है वीन -वीन। मतलब सामने वाले को भी फायदा होता है और जो जिसको परसुएट किया जाता है उसको भी फायदा होता है इसको भी फायदा है इसको भी फायदा है दोनों के लिए अच्छा लेकिन मेनुपुलेशन में क्या होता है एक व्यक्ति को फायदा होता है समझा मेनुपुलेशन में मेनुपुलेट करता है इसका फायदा इसका नुकसान समझ में क्या बोल रहा हूं यहां पर मेनुपुलेशन में है ना यहां पर रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं की जाती रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं की जाती यहां पर आपका रॉन्ग प्रैक्टिस की जा सकती है है ना यहाँ पे पर रॉन्ग बस हो भी सकता है नहीं हो सकता ठीक है नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैनुपुलेशन में यहां पर कोर्सन मतलब फोर्स नहीं यूज किया जाता मतलब फोर्स को नहीं यूज किया जाता यहाँ पे फोर्स यूज कर सकते हैं संध्या के ना ठीक ये होता है दोनों में फर्क ठीक है तो ये थोड़ा सा याद रख लेना कि भाई ये क्या होता है आपका परसुएशन और मेनुपुलेशन में क्या होता है और हमने क्या दिया लेवल्स ऑफ ये पढ़ लिया हम लोगों ने कितने लेवल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस है और यहाँ पे हम लोगों ने ये भी देख लिया कि भाई आ, कितने टाइप्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस अब एक चीज याद है ना कौटिल्य ने भी कौटिल्य ने अपनी बुक में, में मेंशन करते हैं अबाउट सोशल इन्फ्लुएंस ये कंसेप्ट आपने पढ़ा है ना कि साम दाम दंड भेद है ना ये पढ़ा है ना साम दाम दंड भेद इन सब का यूज करके आप सामने वालों को इन्फ्लुएंस कर सकते साम मतलब होता है परसुएशन करके है ना दूसरा होता है दाम मतलब होता है रिश्वत देकर के मतलब temptation. Next होता है, द, दंड मतलब समझ गया ना पनिश करके पनिशमेंट दे दो उसका जो इन्फ्लुएंस है अगली बार से वो उस चीज को नहीं करेगा उसका बिहेवियर चेंज हो जाए भेद मतलब समझ गया ना डिवीजन मतलब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो ब्रिटिश अपनाते थे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है ना तो वहां से आप बता सकते हो साम दाम दंड भेद ठीक साम दाम भेद हो गया पनिशमेंट हो गया टेम्टेशन हो गया हो गया है ना मतलब यहाँ पे करप्शन यहाँ से आ जाता है तो सामने वाले को ऐसे करके उन्होंने मेंशन किया था कि इन तरीकों से हम क्या करते हैं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सामने वालों को ठीक तो ये हमने क्या देखिए लेवल्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस देख लिया और टाइप्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस देख लिया है ना उसमें हमने परसुएशन समझ लिया क्या है अब हमको बस ये देखना है कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर परसुएशन डिपेंड करता है और कौन कौन से प्रोसेस है जिन पर परसुएशन डिपेंड करता है और ऐसे कौन कौन से बैरियर्स हैं जो एटीट्यूड चेंज में या फिर परसुएशन के दौरान ये बैरियर्स काम करते हैं ठीक है तो ये ये वाले टॉपिक बस बचे हैं अब हम ये इन सब चीजों को नेक्स्ट देखते हैं क्या फैक्टर्स ऑफ परसुएशन है ना ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको जो डिटरमाइन करते हैं कि भाई सामने वाला व्यक्ति परसुएड होगा या नहीं होगा ठीक तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ Persuasion. और उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है देयर कैरेक्टरिस्टिक ठीक तो इसको ऐसा याद रखो कोई भी व्यक्ति ये मान लो है रिसीवर ठीक जिसको इन्फ्लुएंस करना है और ये है आपका सोर्स ये इसको क्या देगा मैसेज देगा है ना मतलब ये इससे क्या कर रहा है कम्युनिकेट कर रहा है ठीक तो ये सोर्स हो गया ये रिसीवर हो गया ये मैसेज दे रहा है तो अब इन तीन फैक्टर यहां से तीन फैक्टर निकाल लो आप एक है सोर्स है ना सोर्स मतलब ये कौन होगा परसुएडर हो गया ठीक और ये कौन हो गया रिसीवर कौन हो गया ये कौन हो गया जो रिसीव करेगा मैसेज ठीक है ना परसुएडी बोल लो इसको ठीक अब देखो ये सोर्स मतलब आपको कौन परसुएट करना चाह रहा है उस पर डिपेंड करेगा तो उसमें कौन कौन से फैक्टर होंगे देखो यहां पे समझो सोर्स की बात कर रहे हैं हम सोर्स मतलब जो भी परसुएडर होगा मतलब या फिर ये कौन है ये ओरिजिनेटर है मैसेज का है ना जो मैसेज देना चाह रहा है तो ये कौन हो गया आपका ओरिजिनेटर हो गया ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज ठीक ये ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज हो गया तो यहां पे इस व्यक्ति के क्या क्या चीज देखोगे आप पहला क्रेडिबिलिटी 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 का मतलब क्या है ये सामने वाला जो व्यक्ति जो मैसेज दे रहा है है ना वो कितना उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है उस पर डिपेंड कर रहा है मतलब अब देखो एक एक मान लो कि कि भाई चोर आपको आपको बोल रहा है ईमानदार रहना चाहिए है ना तो आप उस बात को मानोगे मानोगे क्या नहीं लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति ऑनेस्ट व्यक्ति अगर आपको बोलता है कि आपको ये सब चीजें फॉलो करना चाहिए तो आपको फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी मतलब क्रेडिबिलिटी मतलब क्या हो गया यहाँ पर मतलब जो सक्सेसफुल व्यक्ति अगर बोल रहा है तो आप उसको ज्यादा अच्छे से मानते हो है ना जैसे कि मान लो कि भाई आपको कोई आ, आई एस अगर निकाला हुआ जो आई एस निकाल लेते हैं वो कोचिंग में जाकर के बोलते हैं कि ऐसा पड़ो, ऐसा पढ़ो पढ़ो तो उस चीज़ को आदमी जल्दी समझता है बाकी यहाँ पे टीचर्स अगर कुछ बोलते रहते हैं तो उतना ध्यान नहीं देते तो ये क्या है ये उसकी क्रेडिबिलिटी है ना क्रेडिबिलिटी मतलब क्या हो गया कि भाई कौन बोल रहा है ये मैटर करता है समझ समझा गया नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट ट्रस्ट ट्रस्टवर्दीनेस

ठीक नेक्स्ट क्या है एक्सपर्टनेस है ना एक्सपर्टनेस सामने वाले व्यक्ति के पास ये सोर्स की ही बात चल रही है ना ये सब सोर्स में ही देख रहा है है ना सामने वाला व्यक्ति अगर है वो एक्सपर्ट है है ना जैसे मान लो कि भाई ज्योग्राफी का टीचर है है ना ज्योग्राफी का टीचर बोल रहा है कि ये ऐसा नहीं ऐसा होता है ऐसा नहीं ऐसा होता है. तो फिर आप जानते हो कि भाई वो व्यक्ति एक्सपर्ट है उस चीज में अब वो जो भी बोलेगा मतलब सही बोलेगा तो फिर आप क्या होते हैं उस चीज से परसुएट हो जाते नेक्स्ट क्या है सोर्स की पावर देखी जाती है सोर्स सोर्स की की पावर Source की पावर मतलब क्यों क्योंकि भाई देखो एक पुलिस वाला होगा है ना पुलिस वाला व्यक्ति अगर आपको देख रहा है पुलिस वाला कुछ बोलते हैं है ना एक आईपीएस व्यक्ति अगर आपको कोई ऑर्डर दे रहा है तो आप उसको क्या करते हो कंप्लाई कर जाते हो है ना उस चीज को हम मानने लगते हैं तो पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है ना नेक्स्ट है अट्रैक्टिवनेस उसका सामने वाला व्यक्ति कितना ज्यादा अट्रैक्टिव है अपनी पर्सनालिटी को लेकर के उस पर भी आ, ये मतलब डिपेंड करता है कि हम परसुएड होंगे कि नहीं होंगे ठीक और यहाँ पे तीसरा मैं बोल रहा हूँ जिसको बोलता हूँ क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी मैंने बता दी है ना वे कॉल ले लो हो गया चलो इतना काफी रेशनैलिटी देख लो ना रैशनल पर्सन होते हैं तो उनसे हम जल्दी परसुएड हो जाते हैं, ना, लिखा कुछ बोलता है तो पावरफुल व्यक्ति है और आपसे कुछ बोलता है तो आप उसके में हा में हाँ मिलाते हो कि नहीं मिलाते हो तो ये क्या हो रहा है यहाँ से आप क्या कर रहे हो कम्पलायंस कर लेते हो कम्प्लायंस कर लेते हैं वो बात अलग है कि, कि कम्प्लायस में आपको बताया था आपका एटीट्यूड चेंज होगा कि नहीं होगा है ना वैल्यूज चेंज होंगे कि नहीं होंगे दोनों ही नहीं होते कंप्लाई लेकिन जरूर कर लोगे आप है ना जैसे पुलिस वाला बोलेगा लगाओगे तो लगाओ। पार्किंग नो पार्किंग लिखा फिर भी गाड़ी नहीं लगाना चाहिए नहीं है, लेकिन वो तो पुलिस वाले को देख करके आप नहीं लगा रहे थे तो ये क्या हो गया पावर से कंप्लायंस आता है अब एट्रेक्टिवनेस है अगर व्यक्ति तो आप ही उसके प्रति होगे तो मतलब आपका एटीट्यूड भी चेंज होगा उसके प्रति और बिहेवियर भी चेंज होगा हो उसके प्रति जैसे कि एग्जाम्पल मान लो कि वही कोई एक लड़की को पसंद करता है एक लड़का है ना ठीक तो वो उसके प्रति क्या है अट्रैक्ट हो रहा है ये इसके प्रति अट्रैक्ट हो रहा है तो याद रखो इसका एटीट्यूड भी चेंज होगा हमने देखा था और इसका क्या हो रहा है बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा वो बात अलग है कि वैल्यूज चेंज नहीं हो रहा है अभी वैल्यूज तो जब ये टोटल सरेंडर कर देता है किसी के प्रति तब होता है अभी जी ये उसको पसंद कर रहा है बस तो यहाँ पे अट्रैक्टिवनेस से भी वो परसुएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है सामने वाला कितना अट्रैक्टिवनेस है परसुएट तो होगा लेकिन इस केस में एटीट्यूड और बिहेवियर दोनों एंगल को टच कर लेता है मतलब अट्रैक्टिवनेस है तो आइडेंटिफिकेशन आएगा तीन चीज बताई थी मैंने आपको है ना कम्पलायंस आइडेंटिफिकेशन और इंटरनलाइज आइडेंटिफिकेशन है ना लेकिन अगर सामने वाला क्रेडिबल व्यक्ति है क्रेडिबल व्यक्ति है मतलब कि भाई उस उसके अंदर ट्रस्टवर्दीनेस भी है है ना सामने वाला ईमानदार व्यक्ति है ऑनेस्ट व्यक्ति है बार बार लोग उसको ये क्रेडिबिलिटी एक बार में नहीं आती बार बार जब वो अपने अच्छे बिहेवियर को शो करता है है ना तब उसकी क्रेडिबिलिटी बनती है तो एक क्रेडिबल व्यक्ति अगर कुछ बोलता है तो वो क्या होगा उससे लोग इंटरनलाइज करते हैं यहां पे क्या होगा इंटरनलाइजेशन मतलब इस केस में जब इन्फ्लुएंस होगा व्यक्ति एक क्रेडिबल व्यक्ति से तो उस केस में क्या हो रहा है वो व्यक्ति जो इंटरनलाइज कर रहा है वो अपना एटीट्यूड भी चेंज करता है बिहेवियर भी चेंज करता है और अपने वैल्यूज को भी चेंज करता है समझ में गया ये ये हो गया आपका क्रेडिबिलिटी ठीक तो सोर्स पर इतने फैक्टर कि नहीं कर रहा है डिपेंड हाँ, कर रहा है अब देखते हैं कि भाई यहाँ से मैसेज में क्या आएगा ये वाला देखो ये ये हमने देख लिया सोर्स पर किस चीज पर डिपेंड कर रहा है समझना कि नेक्स्ट देखते हैं अब ये मैसेज पर तो एक बात बताओ मैसेज में मैसेज देखो सामने वाला क्या मैसेज दे रहा है ना कितना शॉर्ट है है ना कितना, है? है, ना? कितना है कितना ऑर्गेनाइज है? 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 है इस पर डिपेंड करेगा है ना भाई समझ में आ भी रहा है कि नहीं सामने वाले व्यक्ति को मैसेज मान लो ऐसा हो गया कि उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स है जो कि क्या कर रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जिस जिनसे क्या हो रहा है कि भाई सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कन्फ्यूजन स्टेट में है क्लियर नहीं है बहुत बड़े बड़े मैसेज दे रहे हो आप उनको है ना ऐसा बता रहे हो उनमें इतने वेग वर्ड्स का यूज कर लिया कि सामने वाला कन्फ्यूज है उन चीजों को लेकर तो फिर क्या होगा सामने वाला परसुएट नहीं हो पाए आ गया तो ये याद रख लेना कि भाई किस चीज पर डिपेंड करेगा कि मैसेज कैसा है शॉर्ट है रिलेवेंट है कंसाइज है सिचुएशन के हिसाब से वो मैसेज है कि नहीं है ना कई बार बोलते हैं ना कि भाई मूड कैसा सामने वाले व्यक्ति का उसी के हिसाब से आपको मैसेज देना चाहिए तो ये सब चीजें क्या है ऐसा ये फैक्टर कर देती हैं सर ठीक है नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ रिसीवर अब रिसीवर में क्या है रिसीवर मतलब क्या है ये टारगेट ग्रुप है नहीं ये टारगेट ग्रुप है टारगेट ग्रुप मतलब जिसको आपको परसुएड करना है उसकी बात कर रहे हैं आप तो टारगेट ग्रुप है ये कौन होते हैं ये मैसेज सेंड करते हैं और ये कौन करते हैं जो रिसीव करते हैं वन हु रिसीव्स इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय सोर्स ठीक है ना तो रिसीवर अब जैसे मान लो कि रिसीवर इंटेलिजेंट है कि पुअर है. है ना इंटेलिजेंट है वर्सेस टफर ले लो कि भाई आदमी क्या है भाई पढ़ा लिखा है कि सामने मान लो किस तरीके के लोग हैं आप है ना कि भाई आप समझते हैं कि भाई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो उसको परसुएट करना क्या सरल होगा नहीं होगा क्योंकि भाई उसका पास्ट एक्सपीरियंस है उसका नॉलेज है फिर उसका कॉग्निशन है ठीक है तो ये सब चीजें हैं तो क्या उस केस में उस व्यक्ति को आप जो परसुएट करोगे आसानी से हो जाएगा वो नहीं होगा वहीं पर अगर हम बात करें कि सामने वाला व्यक्ति डफर है है है, ना गधा है, तो उसको परसुएट करना आसान होगा कि नहीं होगा इसको करना करना आसान होगा, होगा। इसको करना नहीं हो वहीं पर जब गवर्नमेंट मान लो एक ट्राइबल्स को परसुएट करती है है ना और एक एजुकेटेड पर्सन को परसुएट करती है काय को लेकर के कि भाई आप इस एरिया से मत रहो हम आपको अच्छी अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं आप दूसरी जगह जाकर के रहो तो ट्राइबल्स को मनाना आसान नहीं रहता क्योंकि वे उनका जन जंगल जमीन से वहां डिपेंड कर जाता है।, है ना है, तो है, तो कि सामने वाला परसुएट होगा नहीं वहीं पर मान लो कि वही एक, 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 एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लोग हैं है ना एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लोग हैं जैसे टेररिस्ट लोग हैं तो उनको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा है ना तो वही मैं बोलूँ बच्चे हैं किस कितने एज के बच्चे हैं एज फैक्टर भी मैटर कर रहा है है ना तो ये सब चीजें कहाँ पे डिपेंड कर रहा है रिसीवर पर कि भाई किस तरीके के लोग हैं इस ग्रुप में टारगेट ग्रुप में उस हिसाब से हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है सोर्स और टाइप्स ऑफ मैसेज भी चेंज कराने पड़ते हैं हम समझे तो ये सब फैक्टर्स हैं जिनके कारण परसुएशन अफेक्ट होता है ये रख लेना ठीक है ना ठीक नेक्स्ट होता है सोर्स में एक चीज और देख लो अथॉरिटी यहाँ पे एक और चीज देख लो अथॉरिटी अथॉरिटी मतलब जैसे कि पावर में मैंने आपको बताया था कि कि जैसे कंप्लायस वगैरह तो तो बढ़ जाता है, है आ, क, जाता है ठीक है ना और उसके प्रति आपका इंटरनलाइज भी बढ़ जाता है कैसे मान लो कि भाई आप आ, यहां से जा रहे हो है ना आपका एक्सीडेंट हो गया अब एक्सीडेंट हो गया अब रोड में पड़ा है वो व्यक्ति तो आप अगर आपने मान लो कि आपको इमीडिएट हेल्प चाहिए अब बहुत लोग आ रहे हैं हेल्प करने तो आपको उतना ज़्यादा खुशी नहीं होगी लेकिन मान लो उसी समय एक वाइट कोट में एक व्यक्ति आ गया और आपकी हेल्प करने लगेगा वाइट कोट मतलब डॉक्टर हो गया तो आपको पता चल गया कि अरे ये तो डॉक्टर है तो आपको वैसे भी थोड़ा सा इंटरनल सेटिस्फेक्शन होने लगेगा कि यार अब मेरे को साथ कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे को जितना जल्दी हेल्प चाहिए थी डॉक्टर की वो मिल रही है मेरे को है ना उसी समय मान लो कि भाई आपको वहाँ पर एम्बुलेंस खड़ा हुआ है तो वहाँ पे उस चीज़ को देख करके आप थोड़ा तो सा इंटरनल आपको सेटिस्फैक्शन मिलने लगेगा तो ये सब क्या होता है ये सब अथॉरिटीज है है ना ये अथॉरिटीज मतलब जो मतलब यहाँ पे डॉक्टर ले लो आप उसके साथ साथ मतलब यूनिफॉर्म की वैल्यू है।, है ना पुलिस है तो ये सब चीजों को देख करके आपको क्या होता है इंटरनल सेटिस्फेक्शन होने लगता है और आप इंटरनलाइज करने लगते हो तो ये सब चीजें हैं जिनके कारण क्या बता सकते हो आप कि यहाँ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं ठीक क्या क्या प्रोसेस होता है प्रोसेस ऑफ परसुएशन देखो प्रोसेस ऑफ पर्सुएशन मतलब ये एक व्यक्ति है जो परसुएट करना चाह रहा है ये ग्रुप ऑफ पीपल्स को है ना इन लोगों को परसुएट करना चाह रहा है आपको बता दिया ये परसुएट कब होंगे जब इस व्यक्ति की क्या होगी क्रेडिबिलिटी होगी है ना इस व्यक्ति का ट्रस्टवर्दीनेस होगा है ना इस व्यक्ति के पास या तो अथॉरिटी होगी है ना मतलब पावर होगा है ना या फिर ये व्यक्ति अट्रैक्टिवनेस होगा ठीक ये एक होगी है ना तब जाकर कि ये लोग इन्फ्लुएंस होंगे तो सबसे पहले इन जिनको इन्फ्लुएंस करना पड़ता है तो उसके लिए पहले हमको इनको एक्सपोजर देना पड़ता है एक्सपोजर देना पड़ेगा एक्सपोजर के बाद इनका अटेंशन गैदर करना पड़ता है ना, अटेंशन मतलब क्या होता है एक तरीके का रेगुलेटेड परसेप्शन है ना मतलब जिस टारगेट ग्रुप को हमको मैसेज देना है उनको उनके प्रति इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा है ना उनका एक वो लेना पड़ेगा ठीक है ना उनका अटेंशन गेदर करना पड़ेगा तब जाकर के हम क्या करते हैं उनका उनको मतलब पर्स्यूएट uh, कर पाएंगे नेक्स्ट क्या होता है अटेंशन के बाद अटेंशन मतलब समझ में आ गया ना ठीक है ना इनको uh, ऐसा मैसेज देना पड़ेगा देखो ये एक्सपोजर कर दिया ना कि पहले उन उन चीजों को ये वाले लोग हैं जिस चीज के प्रति एक्सपोज करना है मतलब जिस प्रति जिस चीज के भी प्रति उनको परसुएट करना है उस चीज को लेकर के इनके अंदर अवेयरनेस लाना है ना अवेयरनेस लाना जगा देना और उसको क्या करना थोड़ा सा एक तरीके से उनको आइडिया दे देना ठीक है उसके बाद अटेंशन में क्या होता है यहाँ पे मैसेज दिया जाएगा उनको ना ये मैसेज दिया जाएगा ठीक कि भाई ये मैसेज को प्रेजेंट किया जाता है ठीक है ना ठीक है ना ये जो मैसेज होगा ये मैसेज कैसा होना चाहिए मैंने आपको बताया ना जब आप इनका मैसेज दे रहा हो तो ये इंटरेस्टेड होना चाहिए इसके साथ साथ क्लियर कट होना चाहिए क्लियर कट इसका मैसेज का प्रॉपर क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होने चाहिए है ना और ये मैसेज ऐसा होना चाहिए कि ये क्यूरियोसिटी जनरेट करे इन लोगों में है ना क्रिएट्स क्रिएट्स क्यूरियोसिटी तो ये क्यूरियोसिटी जनरेट करे ऐसा होना चाहिए ठीक है ना मैसेज तो ये क्या हो गया दूसरा स्टेप हो गया पहला एक्सपोजर हो गया दूसरा अटेंशन हो गया तीसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन ठीक है यहां पे लिख देता हूं कॉम्प्रिहेंशन ठीक है ना कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या होता है यहां पे ये जो सोर्स ये ये है कौन है आपका ये सोर्स है. है ना जहां से आपका ये क्या है सोर्स है और ये क्या है रिसीवर है कॉम्प्रिहेंशन मतलब ये होता है कि सोर्स ऐसा मैसेज दे रहा है उनको है ना कि भाई उससे क्या हो सामने वाला जो टारगेट ग्रुप है उसका रियल मतलब समझ पाए यहां तो आपने मैसेज को ऐसा उठाया कि क्लियर कट हो प्रेजेंट करने में ऑब्जेक्टिव्स हो क्यूरियोसिटी जनरेट करे लेकिन यहां पर मैसेज की बात क्या कर रहा हूं ये इतना क्लियर कट उसको समझाए उस मैसेज को कॉम्प्रिहेंशन मतलब ये होता है कि सोर्स क्या करे उनको समझाए सामने वाले व्यक्तियों को कि इस मैसेज से हम क्या करना चाह रहे हैं इस मैसेज का अल्टीमेट वो मतलब कितना ज्यादा आपको डीप इन्फ्लुएंस करने वाला है समझ ना ताकि ये क्या करे वो जो आ, ये जो सामने वाले ग्रुप है एक-एक व्यक्ति उसको क्या कर सके मतलब समझ सके उसको डीप में जाकर के चिंतन कर सके कि हाँ भाई ये चीज इसलिए हो रही है तो ऐसा ऐसा हो सकता है समझा गया तो कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझा गया ना ये क्या होता है ये होता है एबिलिटी ऑफ एबिलिटी ऑफ सोर्स टू मेक टू मेक टारगेट ग्रुप टारगेट ग्रुप अंडरस्टैंड द मैसेज है ना अंडरस्टैंड द मैसेज है ना जैसे अब लक्ष्मीकांत ने तो सब कुछ लिखा है है ना बट आप फिर भी कोचिंग क्यों जान, जाते हो क्यों ज्वाइन करते हो ताकि भाई उसमें जो लिखा क्लियर कट मैं एक बार समझ जाऊं कि भाई अच्छा है, ये है इसका मतलब तो वही चीज कॉम्प्रीह मतलब ये ये होता है है एबिलिटी ऑफ सोर्स होती ताकि इन लोगों को उसका जो रियल मीनिंग होता है उस मैसेज का उसको अच्छे से समझा सके इसको बोलेंगे हम कॉम्प्रिहेंसर ठीक है ना ठीक है ना और ये 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 मतलब कब ये, ये लोग उस मीनिंग को समझ सकते हैं ये तभी समझ सकते हैं ना कि जब सामने वाला उ, उसको उतने हिसाब से उनके हिसाब से टाइम और कॉन्सिक्वेंस के हिसाब से उस चीज को समझा पाए तब होगा ऐसा तो ये हो गया कॉम्प्रिहेंशन ठीक है, है नेक्स्ट क्या होता है नेक्स्ट आ जाओ यहाँ ले पे लिख लेता हूं रिटेंशन।, रिटेंशन रिटेंशन अब देखो अब सामने वाला व्यक्ति समझ भी लिया है अब लेकिन अगर उस मैसेज को वो रिटेन नहीं करेगा है ना जब रिटेन नहीं करेगा तो बाद में उसको अपने एक्शन में नहीं लाएगा है ना जब उसको एक्शन तो मतलब तो तो होगी हो नहीं है ना तो जब सामने वाला का आपने बिहेवियर ही चेंज नहीं किया मतलब वो कब नहीं चेंज किया या तो उस बात को उसने अपने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया उसको अपने मस्तिष्क में रखा नहीं अपने दिमाग में उसको फिट नहीं किया तो यही बोल रहे रिटेंशन का मतलब क्या होता है ये टारगेट ग्रुप के लिए होता है अगर टारगेट ग्रुप आप इसीलिए बोलते हैं ना कॉम्प्रिहेंशन जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा आपका रिटेंशन सामने वाले का बढ़ा सकते हो आप लेकिन मान लो अगर रिटेन नहीं है, है ना तो फिर क्या होगा फिर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसको एक्शन में नहीं ला पाएंगे तो रिटेंशन मतलब क्या होता है टारगेट ग्रुप क्या करे उस मैसेज को रिटेन कर सके रिट्रीव कर सके है ना ठीक तो इसको क्या बोलेंगे हम रिटेंशन होगा ताकि इस मैसेज को बाद में रिटेन करने के बाद वो इसको एक्शन में ला सके ठीक है ना तो नेक्स्ट क्या है आपका रिटेंशन रिटेंशन में क्या बता दिया मैंने कि एबिलिटी होती है टारगेट ग्रुप की ताकि वो रिट्रीव कर सके और रिटेन कर सके मैसेज जो भी इसको प्रेजेंट किया जाता है ठीक ठीक है ना तो इसके लिए क्या करना चाहिए सामने वाले को मैसेज में क्या करना पड़ेगा बार-बार बार-बार मैसेज में रि, रिपीट करना पड़ता है

फोकस करेगा और रिपीटेडनेस शो करेगा तो इससे क्या होगा इससे ये होगा कि भाई जो साइलेंट पॉइंट्स हैं मैसेज के वो सामने वाले व्यक्ति को डीप इम्प्रिंट करेंगे और तो सामने वाला व्यक्ति उन पॉइंट्स को रिटेन कर सकेगा कभी देखा है ना ध्यान से कि भाई हम कहीं पे बैठे होते हैं प्रवचन सुनने जाते हैं दो घंटे का प्रवचन सुना तो उसमें से हमको कुछ चीज़ें याद रहती हैं है ना बाकी चीज़ें हम भूल जाते हैं ऐसा क्यों क्योंकि भाई मैंने बताया ना सामने वाला तो देखो पूरी बात बोल रहा है लेकिन आ, कुछ चीजें जो बार 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 जिक्र होगी है ना और कुछ चीजें जो ज्यादा कहानी टाइप से बताई जाती हैं वो याद रहती हैं क्यों क्योंकि कहानी टाइप से बता रही है मतलब कॉम्प्रीहेंशन है और दूसरा बार बार जो चीजें रिपीट की जाती हैं तो वो हमारे दिमाग में ध्यान में रहती है बार 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 तो इसलिए रिटेंशन कराने के लिए रिपीटेडनेस होना बहुत जरूरी हो जाता है फिर नेक्स्ट है लास्ट क्या हो जाता है एक्सेप्टेंस एंड एक्शन ठीक है ना अब देखो परसुएशन सक्सेसफुल कब माना जाएगा जब टारगेट ग्रुप क्या होगा जिसने अच्छा खासा कॉम्प्रिहेंशन मैसेज दे दिया उसको सामने वाले ने रिटेन भी कर लिया अब घर जा करके वो कंफ्यूज स्टेट में कर ही नहीं रहा है कुछ तो क्या मतलब आपके परसुएट करने का मतलब उसने क्या किया एक्सेप्ट नहीं किया पूरी चीजों को है ना कहीं कंफ्यूज है तो इसीलिए उसके एक्शन में नहीं दिख रहा है तो इसमें क्या हो रहा है इसमें यह होगा कि सामने वाला आपको एक्सेप्ट भी कर लिया है है ना आपकी बातों से परसुएट भी हो गया और उसको एक्शन में भी ला रहा है तो इसको क्या बोल देंगे हम परस... एक्शन में क्या किया एक्शन में आ गया ये वो चीज है मतलब हमने इसको टोटली totally परसुएट कर लिया मतलब एक्सेप्ट कर लिया है उसने हमारी बातों को और उसको क्या कर रहा है परसुएट कर रहा है ठीक है ना मतलब उसको एक्शन में बिहेवियर में शो करने लगता है तो यहाँ पर क्या होता है कंडक्ट उसका चेंज हो जाता है है ना कंडक्ट उसका चेंज हो गया पहले से है ना तो परसुएशन को सक्सेसफुल कब बोलते हैं हम जब टारगेट ग्रुप सिर्फ मैसेज को रिसीव नहीं किया है बट क्या हुआ है रिसीव करने के साथ साथ उसको एक्शन में भी ला रहा है है ना जो भी सोर्स ने बताया था उसको तो हम क्या बोल देंगे उसको उसको बोलेंगे एक्सेप्टेंस एंड एक्शन ठीक है ना तो याद रख लेना कि ये परसुएशन का प्रोसेस जो होता है है ना प्रोसेस ऑफ परसुएशन में कैसे काम करती है प्रोसेस ऑफ परसुएशन पहला क्या बताया पहला मैंने बताया एक्सपोजर इसके कारण क्या आएगा अटेंशन अटेंशन से क्या आएगा कॉम्प्रिहेंशन इससे क्या आएगा रिटेंशन देन एक्सेप्टेंस एंड एक्शन ठीक तो ये अवेयरनेस ये मैसेज नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या हो गया कि क्लियर कट करो अंडरस्टैंडिंग जमाओ उनके बीच में रिटेंशन मतलब आपके मैसेज को वो रिटेन कर सके ये क्या होगा आपका कंडक्ट हो गया मतलब बिहेवियर में शो so हो ठीक ये हो गया आपका क्या प्रोसेस ऑफ परसुएशन जो होता है ठीक ठीक है अब देखो टूल्स ऑफ परसुएशन देखते हैं अपन ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्या टूल्स ऑफ परसुएशन कि ऐसे कौन कौन से टूल्स होते हैं जिनका हम यूज करके क्या कर सकते हैं कि उसको सामने वाले को परसुएट करते हैं है ना हथियार है टूल्स ऑफ परसुएशन वो तो सामने वाला जिसके पहले बताओ प्रोसेस है ये ये प्रोसेस होती है जब आप सामने वाले को परसुएट करते हो अब मैं क्या बता रहा हूं आपको टूल्स मतलब कितने तरीके से हम उनको परसुएट कर सकते हैं कौन सी चीज यूज करके उनका परसुएट कर सकते हैं पहला होता है रेसिप्रोकेशन 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 का मतलब क्या होता है गिव एंड टेक है गिव एंड टेक सामने वाले ने स्माइल किया तो आप भी उसको स्माइल कर रहे हो सामने वाले ने आपको जैसे आप देखा होगा सामने वाले आपको बोलते हैं कुछ प्रणाम करते हैं तो आप भी उनको उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देते हो तो ये क्या है ये क्या है गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है इससे सामने वाला धीरे धीरे करके सामने से परसुएड हो रहा है एक बार आप स्माइल करो नहीं करेगा दूसरी बार करो स्माइल करो नहीं करेगा तीसरी बार करने लगे चौथी बार करने लगे तो ये क्या है गिव एंड टेक रिलेशनशिप पे इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है ठीक है ना यहाँ पर हमको क्या ये क्यों काम करता है ये क्योंकि शुरू से ही हमको क्या सिखाया गया है कि भाई हमको सामने वालों को रिपे करना चाहिए है ना जो भी सामने वाला हमारे लिए करता है तो इसलिए जैसा हम जिसके लिए करेंगे वो वैसा हमारे लिए उसका रिटर्न देगा तो उस प्रिंसिपल पे ये काम करता है गिव एंड टेक में काम करता है ये ठीक है ना तो रेसी इससे क्या होता है सामने वाले को परसुएड हम करते हैं दूसरा क्या है जिसको बोलते हैं कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी है ना इसका एग्जाम्पल इसका रेसिप्रोकेशन का आई में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है ना जैसे आई में क्या बताया मैंने आपको जो आ, दूसरे रिलेशन होते हैं ना कंट्री के इंटरनेशनल रिलेशन में गिव एंड टेक चलता है कि भाई आप हमारे लिए ये करोगे तो हमारे हम आपके लिए ये करेंगे है ना देखा है ना यूएस इंडिया इन सब के रिलेशन देखो इंडिया अफगानिस्तान देख लो है ना फिर इसके अलावा अगर हम इंडियन लेवल पे ही बात करें तो जो कम्युनिटी सर्विसेज होती हैं है ना जो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती है जिनमें वो बोलते हैं कि अगर आप लोग ये करोगे जैसे स्वच्छ भारत ही ले लो तो भाई अगर आप ये करोगे तो आपके साथ ऐसा ऐसा होगा तो अब सफाई रखोगे तो बीमारी नहीं होगी तो ये सब क्या है ये सब रेसिप्रोकेशन के ही मतलब टूल्स हैं किसके परसुएशन का एक रेसिप्रोकेशन हो गया दूसरा हो गया कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी इसमें क्या होता है एक बार मान लो कि आपने किसी चीज को कमिट कर दिया तो फिर आप उस चीज पर अडिग रहते हो है ना कमिटमेंट अगर आपने दे दी कि भाई मैं ये करूंगा है ना मैं डेली उठ करके मेरे को ऐसा बोल दिया कि डेली उठ करके दो घंटे में पढ़ूंगा ये सिलेबस कंप्लीट करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा आपने कमिटमेंट दे दी और अपने मम्मी पापा को दे दिया कि भाई अब मैं ये करूंगा ही करूंगा ठीक है ना नहीं करूंगा तो आप मेरे को ये कर देना वो कर देना तो ये कमिटमेंट एक बार आपने दे दी तो क्या होगा फिर आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा है ना आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा तो आप उसके फिर दो घंटे उठ करके आप करने ही लगोगे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पूरा जान जी जान लगा दोगे तो इससे क्या होगा कमिटमेंट से आपको एक क्या आ जाती है आपकी ड्यूटी बन जाती है है ना रेगुलरिटी आ जाती है है ना और कंसिस्टेंसी इससे क्या हो जाएगा आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी है है ना मतलब एक बार आपने जो चूज कर लिया कि क्या करना है, तो फिर उस, उसके उसके बाद बाद चाहे वो आप उन चीजों को करते हो चाहे वो एक्सटर्नल प्रेशर के कारण हो या इंटरनल प्रेशर के कारण हो है ना जैसे कि क्या होता है आपने एग्जाम्पल में कमिटमेंट अपने पेरेंट्स को दे दी टीचर्स को दे दिया कि कल सर मैं इतना करके आऊंगा लिख के लाऊंगा भले आप घर गए तो आपका मन नहीं है लिखने का बट फिर भी आप आपने कमिटमेंट दे पूरे सामने वाले क्लास में, आ, के सामने बोल दिया दे के आ गया तो अब उस को आप करते ही करते है ना है नेक्स्ट है कि रहूंगा रखूंगा है ना अपने जो भी कार्य होंगे उनका निर्वाहन करूंगा तो ये सब चीज प्लेज ले रहे हो आप तो आपको इंटरनल प्रेशर एक हो जाता है कि भाई नहीं आपको करप्शन नहीं करना है ना इंटरनल प्रेशर हो जाता है ये आप वैसे करप्ट व्यक्ति हो लेकिन आपने प्लेज ले लिया तो फिर आपका क्या होता है मन जो होता है वो चेंज हो जाता है तो इस केस में क्या होगा आपका बिहेवियर और जो आपका परसुएशन जो होना था वो चेंज हो गया है ना आप नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट होता है सोशल प्रूफ सोशल प्रूफ सोशल प्रूफ मतलब क्या होता है कि समाज को दिखाने के लिए हम अपना परसुएशन कर लेते हैं है ना सामने मतलब जो सामने समाज जैसा चाह रही है ना हम वैसा करते हैं ठीक है ना और इसमें हम ये चाहते हैं कि भाई समाज मेरे को अच्छा समझे है ना तो इसलिए हम वो सब चीजें करते हैं जैसे कई लोग इंटरकास्ट मैरिज नहीं करते इसलिए क्योंकि समाज में बदनामी होगी तो जो समाज में बदनामी ना हो उस जो चीजें करते हैं वो क्या होती है सोशल प्रूफ में आएगा ये टूल्स देखो ये टूल्स जो है ना ये टूल्स सिर्फ परसुएसन के नहीं है ये सोशल इन्फ्लुएंस के भी टूल्स हैं है ना सोशल इन्फ्लुएंस के लिए भी टूल्स हैं ठीक है, है? तो ये सोशल इन्फ्लुएंस में भी आ जाएगा परसुएशन में भी आ जाएगा तो जब पूछे आपसे तो ये सब चीजें लिख देना है ना ठीक है ना मतलब यहाँ पे हम क्या सही करते हैं हम वो चीज करते हैं जो सामने वाले बहुत लोग ये समझेंगे कि हाँ ये जो व्यक्ति कर रहा है वो सही है मतलब वी डिसाइड वॉट इज करेक्ट बाई नोटिसिंग वॉट अदर पीपल्स थिंक इज करेक्ट समझा क्या ये होता है इसमें ठीक है ना सोशल प्रूफ में नेक्स्ट क्या है चौथा चौथा होता है लाइकिंग्स इस, इसमें क्या होता है मैक्सिमम चीज हम वो चीजें मैक्सिमम uh, करते हैं जो हमको पसंद होती है ना जैसे कि हमारे रोल मॉडल्स होते हैं है ना रोल मॉडल्स हैं है ना रोल मॉडल्स को देख करके हम उनके हिसाब से uh, अपना सोशल uh, इन्फ्लुएंस होता है उसको कर लेते हैं है ना सामने वाला अगर uh, आप पसंद करते हो मान लो कि भाई आप किसी हीरो को पसंद कर रहे हो वो आपसे आकर के बात करे और आपसे बोले कि नहीं यार आप ऐसा कर रहे हो आप गलत कर रहे हो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को मत करो तो फिर देखना आप एकदम चेंज हो जाते हो क्यों क्योंकि हम जिसको पसंद करते हैं वो हमको आसानी से परसुएट कर सकता है ठीक है ना इसीलिए जब आप जब आप क्या होते हैं जब बहुत तकलीफ में रहते हैं हम है ना जब हमारा मेंटल स्टेट सही नहीं रहता तो या तो हमारा बेस्ट फ्रेंड हमको परसुएट करता है या तो पेरेंट्स करते हैं इसके अतिरिक्त कोई कर नहीं पाता है।, है ना तो ये क्यों होता है क्योंकि भाई हम उनको हमारा इमोशंस अटैच है उनके साथ हमारी लाइकिंग्स है उनके साथ ठीक है तो ये याद रख लेना यहाँ पे रोल मॉडल्स का एग्जाम्पल आप बता सकते हो नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट पांचवा लेते हैं पांचवा लेते अथॉरिटी है ना अथॉरिटी में तो हम उनसे कर सकते हैं और इंटरनलाइज कर सकते हैं और अथॉरिटी में ही अगर ट्रस्ट वर्दीनेस है जैसे नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी बोले कि भाई सबको एक दिन का जनता कर्फ्यू रखना है सबको ये करना है तो देखो कितना आसानी से लोगों ने किया ठीक है जब वो दीपक जलाने को बोले थे जब प्लेट और वो थाली बजाने को बोले थे तो उस समय देखो सबने क्यों किया क्योंकि सामने वाले की अथॉरिटी और ट्रस्टवर्दीनेस और क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा थी है ना तो यहाँ पर हमारी रेस्पेक्ट हो जाती है अथॉरिटी के लिए है ना वो चाहे रियल सेंस में हो या इम्प्लाइड सेंस में हो है ना इसीलिए क्या होता है जो कई बार क्या होता है लोग कंफ्यूज होते हैं लेकिन सामने की सामने वाला अथॉरिटी में इतना ज्यादा ट्रस्टवर्दीनेस है और uh, सामने वाले की इतनी क्रेडिबिलिटी है कि वो हमको ईजिली परसुए कर लेता है और हमको क्या कर सकता है uh, change कर में help करता है हमारे एटीट्यूड जैसे इंटरलॉकेटर्स होते हैं ना इंटरलॉकेटर्स इंटरलॉकेटर्स जैसे कि यहाँ पे देखो कश्मीर के लिए जब uh, बहुत सारे इंटरलॉकेटर्स को अपॉइंट किया जाता है मनवाने के लिए जैसे एक स्वामी अग्निवेश है स्वामी अग्निवेश थे उन्होंने क्या किया था Uh, सरकार की तरफ से जो नक्सलीज हैं उनको परसुएट करने में उनको इन्फ्लुएंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी तो ये अगर सामने वाला व्यक्ति के पास जैसे कि कई बार देखा हो ना कि बहुत से uh, मान लो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है तो डीएम जाते हैं बात करने प्रोटेस्टर से है ना uh, जो बड़े बड़े एसपी रैंक के ऑफिसर्स होते हैं वो जाते हैं बात करने प्रोटेस्टर से तो उनसे क्या करते हैं वो उनको कैसे परसुएट कर लेते हैं समझ लो क्योंकि अब सामने वाले प्रोटेस्टर्स को भी लगेगा कि यार डीएम आया है सामने वाले को लगेगा कि यार एस एस पी है ना आई आए तो उससे क्या होता है अथॉरिटी का बहुत ज्यादा मान सम्मान होता है बहुत ज्यादा पावर होती है उनके अंदर इसलिए वो एक पर्सुएशन के टूल की तरह एक्ट करते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ सिक्स जिसको बोलते हैं हम स्कार सिटी देखो स्कार मतलब होता है जैसे रिसोर्स स्कार है ना ये बहुत ज्यादा आपको आ, बहुत ज्यादा आपको क्या करती है आपके इन्फ्लुएंस करती है कैसे जैसे लिमिटेड एडिशन होते हैं मिंत्रा में है ना मिंत्रा में बोलता है ना कि भाई ऑफर बस ये लिमिटेड लिमिटेड एडिशन एडिशन है है ऑफर बस बस दो घंटे के लिए तो फिर सब लग जाते हैं जब ये आता है देखो ना जब सेल आती है सेल आती है तो सब एक साथ वैसे आपका मन होगा कि आपको कोई चीज नहीं खरीदनी है लेकिन जब सेल आती है तो देख करके हम क्या करते हैं यार इतने सस्ते में मिल रहा है और ये लिमिटेड एडिशन है बाद में कभी मिलेगा नहीं तो मैं अभी ले लेता हूँ तो उसने आपका बिहेवियर चेंज कर दिया कि नहीं आपको परसुएड कर लिया कि नहीं है ना तो ये होता है मतलब यहाँ पे हर व्यक्ति वल्नरेबल होता है स्कॉसिटी के प्रति तो जब स्कॉर्सिटी आपको सिचुएशन सिचुएशन में आपको स्कॉर्सिटी दिखने लगती है तो फिर आप अपना एटीट्यूड चेंज कर, ले, तो कर लेते हो बिहेवियर चेंज कर लेते हो है ना आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो प्लस आप परसुएड हो जाते हो तो ये सब चीजें हो जाती है किसके कारण इसके कारण तो ये सब चीजें क्या है टूल्स हैं याद रख लेना किसके परसुएशन के तो परसुएशन के क्या क्या, क्या टूल्स हैं कार हो गया अथॉरिटी हो गया लाइकिंग्स हो गए सोशल प्रूफ हो गया कमिटमेंट हो गया रेसिप्रोकेशन हो, हो गया ठीक है ना तो ये सब चीजें क्या है टूल्स ऑफ क्या है परसुएशन तो persuasion का ये हमने कर लिया है कंप्लीट अब जो नेक्स्ट है वो आपका बचा है मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड और उसमें से बैरियर्स टू एटीट्यूड की भाई एटीट्यूड चेंज में कौन कौन से बैरियर्स हैं अब वो अपन ये वाला टॉपिक बस बचा है वो करेंगे